जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद में। साबका वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है, रोड बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर फैसलाबाद में एक आवाम का समंदर देखने में नजर आ रहा है। यहाँ पर फैसलाबाद जगह जगह रोड बंद कर दिए गए हैं, आवाम बाहर निकल आई है। हमारे साथ यहाँ पर खवातीन मौजूद है, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया इस वाले से? ये बहुत गलत हरकत की है। खान साहब ने सुबह जाते हुए भी वीडियो बयान दिया था कि डर्टी हैरी ने आज कुछ ना कुछ करना है और मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, और हम लोगों को ये चीज़ बहुत हुई है, ये मुल्क का नुकसान है। इन लोगों ने बहुत गलत हरकत की है और ये ललकारने वाली बात है। ये इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को ललकारा है, तो अब ये अवाम की ताकत खुद देखेंगे। इन लोगों ने जो हरकत की है ना, अब ये अवाम की ताकत का फैसला देखेंगे खुद। अगर पीडीएम हुकूमत इमरान खान को नहीं छोड़ती तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह वो छोड़ेंगे, उनके पास और कोई हल नहीं है। आपके ख्याल में है कोई हल उनके पास? इलेक्शन से वो लोग भाग रहे हैं और इमरान खान को गिरफ्तार करके कितनी देर तक रखेंगे? वो छोड़ेंगे, उन्हें छोड़ना पड़ेगा जी। इन्होंने जो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पे खान साहब को गिरफ्तार किया है, इनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इनको लगा कि शायद ये जो मर्जी होछे हथकंडे अपना ले तो अवाम बैठी रहेगी। इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ऐसा होगा। अवाम में इस कदर जोशो गुस्सा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, बल्कि आपको नजर आ रहा होगा अगर खान साहब को किसी किस्म की कोई तकलीफ हुई तो उसका इनको बहुत बुरा अजाला देना पड़ेगा इसका। दो घंटे अरे खड़े ने लोग, हम लोग आज इमरान खान की गिरफ्तारी के निकले। आज हुकूमत ने वो हरबा इस्तेमाल किया है, उनको अवाम की ताकत का नहीं पता कि अवाम जब अपनी आई पे आ जाती है ना तो वो नहीं देखती कि हुकूमती बंदा है या गैर हुकूमती बंदा है। हमारा नारा एक है, इमरान खान को रिहा करो। बस जब तक वो रिहा नहीं करेंगे ये सड़कें इसी तरह ब्लॉक रहेंगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, ये इतनी बड़ी जमात का लीडर जो उन्होंने उसके सुप्रीम कोर्ट के हाथे से उसको गिरफ्तार किया, ना अहली पे ना अहली किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब इनको इन्हीं सड़कों पे लेकर आएंगे और खींच कर लेकर आएंगे। इन्होंने आज इमरान खान को पकड़ कर खींचा है, तो देखिएगा इसी तरह से मरियम नवाज, इसी तरह से राणा सनाउला और इसी तरह से शहबाज शरीफ को सड़कों पर ना लेकर आए तो पीटीआई अवाम, पीटीआई अवाम नहीं है। तो इमरान खान बाहर लीडर है जो सबका मुकाबला कर रहा है, पीडीएम हुकूमत जब भी कहाँ जाती है तो चोर चोर के नारे लग जाते हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? तो वो भाई उनके करतूते इतनी ज्यादा हैं, चोर चोर नहीं कहेंगे तो क्या, और उनको हम अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे कि हाँ जी मुसल्लत हो जाएं? वो चोर हैं। अब जब वो उमरा करने गए उधर से चमचियाँ चुरा ली, ये देखे छोटी जहन के लोगों का हाल है। ये लोहार थे ना, लोहा कूटते थे, तो इसीलिए उनको ये हरबे आते हैं कि जो चीज़ें मिलती हैं पकड़ो, जेब में डालो और छुप के भाग जाओ। ये हाल है उन लोगों का।